ये कहानी तो ऐसी खिलाड़ी लड़कियों की है जो प्राइवेट टॉयज बेचकर अपना घर चलाती है, और ये प्राइवेट टॉयज बेच कर ये देश की सबसे अमीर औरतें बन जाती हैं। पर क्या हो जब इनके फैमिली को पता चले कि ये टॉयज बेचती है, तो ये हम आज की इस मूवी में देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत औरत से होती है जिसका नाम वीना था। वीना एक शादीशुदा और कामकाजी औरत थी। उसके घर में वो हर चीज थी जिसके सपने हर औरत देखती थी। वीना की एक 6 साल की बेटी हायू थी और वीना के पति का नाम सोम था। वीना का ज्यादातर ध्यान काम पर रहता था जिस वजह से वो अपने परिवार को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। वीना के पड़ोस वाले अपार्टमेंट में एक गरम जवान लड़की रहती थी और उस लड़की का नाम नियो था। वीना को अक्सर नियो लिफ्ट में मिलती थी और दोनों के बीच कोई बात नहीं होती थी। नियो खुले विचारों वाली लड़की थी जिस कारण वो वीना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अब चलते हैं वीना के ऑफिस में। वीना एक बड़ी सी टॉय कंपनी में काम करती थी जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए टॉयज बनाती थी। वीना इस कंपनी में मार्केटिंग का काम संभालती थी और उसके काम से कंपनी बहुत खुश थी। वीना का पति सॉन्ग एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। ना तो वो अपने काम से खुश था और ना ही उसके स्टूडेंट्स उसके पढ़ाने के तरीके से। दूसरी तरफ वीना अपना ज्यादा से ज्यादा समय ऑफिस में बिताती थी और उसके काम से खुश होकर उसका बॉस उसे प्रमोशन देने का फैसला करता है। वो वीना को बताता है कि कल कंपनी की मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद तुम्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। अपने प्रमोशन की बात सुनकर वीना बहुत खुश होती है क्योंकि वो कई सालों से इसके लिए मेहनत कर रही थी। वैसे वीना और सॉन्ग के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। सॉन्ग वीना के पास जाने की जितनी भी कोशिश करता था वीना उससे ही दूर हो जाती थी। सॉन्ग को वीना का प्यार नहीं मिल पा रहा था जिसके कारण वो उदास रहने लगता है। अगले दिन वीना और उसकी बेटी हायू साथ साथ घर से निकलती है। वीना अपने ऑफिस जाने वाली थी और हायू अपने स्कूल जा रही थी। इस बार वीना को फिर से लिफ्ट में नियो मिलती है और उसकी खूबसूरती देखकर वो अंदर ही अंदर जल जाती है। लिफ्ट से बाहर आकर वो जल्दी जल्दी गार्ड से अपना पार्सल लेती है और फिर सीधा अपने ऑफिस में आती है। आज कंपनी में एक मीटिंग थी और इस मीटिंग के बाद वीना को प्रमोशन मिलना लगभग तय था। मीटिंग के दौरान वो अपना पार्सल खोलकर कंपनी को नए टॉयज दिखाती है, मगर ये सभी प्राइवेट टॉयज थे जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए थे। वीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके पार्सल में ये सब टॉयज कहाँ से आए। बेचारी वीना कहाँ आज प्रमोशन के सपने देख रही थी और कहाँ आज उसे धक्के मारकर नौकरी से निकाल दिया गया था। घर जाते जाते वीना का ध्यान अपने पार्सल के एड्रेस पर जाता है जिसे देखकर वो बहुत हैरान होती है। दरअसल ये पार्सल नियो का था जिसे गार्ड ने गलती से वीना को दे दिया था। वीना जल्दी जल्दी नियो के घर जाकर उसे उसका पार्सल देती है और गुस्से में आकर उसे भला बुरा भी कहती है। वीना उससे पूछती है कि तुम्हारे तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं, फिर भला तुम ये टॉयज की क्या करती हो। इसके जवाब में नियो से बताती है कि मैं एक शॉप चलाती हूँ और मैं अपने शॉप में ये सारे टॉयज बेचती हूँ। मगर वीना को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो उसे गंदी औरत कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद नियो को वीना एक बार में मिलती है। नौकरी चले जाने के कारण वीना उदास रहने लगी थी और अब उसने दारू से दोस्ती कर ली थी। उसके पास आकर नियो उससे कहती है कि मैं गंदी औरत नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी शॉप चलाती हूँ। उसकी बात सुनकर वीना उसका मजाक उड़ाने लगती है और खुद को सच्चा साबित करने के लिए नियो उसे अपनी शॉप में लेकर आती है। नियो के शॉप में बहुत सारे टॉयज थे जिन्हें देखकर वीना हैरान होती है और फिर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह दोनों फिर से मिलती है और वीना नियो से कहती है, मैं नहीं मानती कि कोई भी लड़की तुम्हारे शॉप पर आती होगी, तुम्हारे टॉयज बेकार है, कोई भी लड़कियाँ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहेगी। लेकिन नियो उससे कहती है, तुम गलत हो, हमारे शहर में ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो मेरे टॉयज इस्तेमाल करना चाहती हैं, लेकिन वो झिझकती हैं। अब दोनों लड़कियों के बीच बहस शुरू हो गई थी और इसी बहस में वो एक शर्त लगा लेती है। शर्त ये थी कि अगर नियो अपनी बात सही साबित कर दे तो बदले में वीना भी उसके टॉयज इस्तेमाल करेगी। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों एक पार्क में पहुंचती हैं और वहाँ कई टॉयज रखकर उस पर नजर रखने लगती है। पार्क में कई लड़कियाँ नियो के टॉयज देखती हैं, लेकिन वो उन्हें फेंक देती हैं। टॉयज का हाल देखकर वीना नियो का मजाक उड़ाने लगती है, मगर नियो उससे कहती है कि पार्क एक खुली जगह है, इसीलिए लड़कियाँ टॉयज फेंक रही है। इसके बाद वो लड़कियों के बाथरूम में टॉयज रखती है और थोड़ी ही देर बाद लड़कियाँ सभी टॉयज ले जाती है। दोनों के बीच जो शर्त लगी थी वो नियो ने जीत ली थी। अब शर्त के अनुसार वीना को भी नियो के टॉयज इस्तेमाल करने थे। वीना का पति कुछ दिनों के लिए घर के बाहर गया हुआ था, इसीलिए वो रात को टॉय का इस्तेमाल करती है और उसे वो बहुत पसंद आता है। दरअसल पहले काम के बोझ के कारण वीना के पास इतना समय नहीं होता था कि वो अपने पति के प्यार का सुख पा सके, इसीलिए उसे नियो के टॉयज पसंद आते हैं। कुछ दिनों बाद वीना को पता चलता है कि नियो अपनी शॉप बंद करने वाली है। नियो के टॉयज तो लड़कियां इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन वो टॉयज खरीदने में झिझक रही थी। इसी वजह से नियो की शॉप घाटे में चल रही थी और वो समय पे शॉप का किराया भी नहीं दे पा रही थी। पूरी बात जानने के बाद वीना उसकी मदद करने का फैसला करती है। वीना कंपनी में पहले मार्केटिंग का काम करती थी और अब वो वही काम नियो के टॉयज प्रमोट करने के लिए करना चाहती थी। अगले ही दिन वो दोनों घर घर जाकर अपने टॉयज की मार्केटिंग करने लगती है। शुरू शुरू में उन्हें ना का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर जल्द ही कई लड़कियां उनसे टॉयज खरीदने लग जाती है। देखते ही देखते वीना और नियो काफी टॉयज बेच देती है जिनसे उन्हें बहुत फायदा होता है। इसी बीच वीना का पति सोम भी अपने घर लौट आया था, जो
किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। सोम कई दिनों के बाद घर लौटा था और वो वीना का बदला हुआ रूप देखकर बहुत खुश था। वीना उसे ये तो बता देती है कि उसे कंपनी में नौकरी से निकाल दिया, लेकिन वो उसे ये नहीं बताती कि आजकल वो नियो के प्राइवेट टॉयज बेच रही है। अब वीना अपने पति को पूरा समय देती थी और वो पूरी पूरी रात प्यार करते थे। एक दिन नियो एक नया तरीके का सामान पहनती है। ये सामान म्यूजिक की आवाज़ सुनते ही अपना काम शुरू कर देती थी, जिसके बाद ये पहनने वाली लड़की की तन बदन में आग लग जाती थी। इसी बीच नियो के पास वीना आती है और वो उसे भी ये ट्राई करने को बोलती है। नियो की बात मानकर वीना जल्दी जल्दी वो ट्राई कर लेती है। अब वो जैसे ही उसे ट्राई करने लगती है, तभी उसे उसके पति सोम का फोन आता है। सोम उसे हायू के स्कूल जाने को कहता है क्योंकि वो खुद किसी काम में फंस गया था। स्कूल में हायू का मैच था और वीना जल्दबाजी में वो नया टॉय पहनकर वहाँ पहुँच जाती है। मैच के दौरान हर जगह म्यूजिक चल रहा था और म्यूजिक की आवाज़ सुनकर वो टॉय अपना काम शुरू कर देती है। अब वीना मुश्किल से अपने आप को संभालती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो खुद को संभाल ना सकी तो उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसी दौरान एक दिन वीना के मेट के हाथ वीना के प्राइवेट टॉयज लग जाते हैं। वो एक टॉय उठाकर बाथटब में उसे इस्तेमाल करने लग जाती है। ये टॉय बिजली से चलने वाला था। मेट के लिए ये टॉय बिल्कुल नए थे और वो बिजली का झटका खाकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वैसे वीना और नियो नए नए टॉयज की खोज करती रहती थी ताकि लड़कियों की दिलचस्पी उनके टॉयज में बनी रहे। एक दिन वीना एक औरत को कमर पे बांधने वाला एक टॉय दिखाती है, मगर उस औरत को वो टॉय बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वीना को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। कुछ महीनों बाद वीना और नियो एक नए टॉय की खोज करती है। वो अपना नया टॉय बड़े लेवल पर लॉन्च करना चाहती थी और इसके लिए वो एक मॉल में एक प्रोग्राम करती है। इसी दौरान सोम भी मॉल में आ जाता है और उसे वीना के नए काम के बारे में पता चल जाता है। अपनी बीवी को प्राइवेट टॉयज की मार्केटिंग करते देख उसे बहुत दुख होता है और वो उसे सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है। 3 महीनों बाद वीना और नियो ने टॉयज बेच कर बहुत नाम कमा लिया था। वीना अब एक नए घर में अकेले रहने लगी थी और हायू कभी कभी उससे मिलने आया करती थी। सोम ने अभी भी वीना को माफ नहीं किया था। वो तो बस हायू की खुशी के लिए उसे वीना से मिलवाने ले आया करता था। उसने हायू को अपने साथ ही रखा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हायू को वीना के नए काम के बारे में पता चले। एक दिन सोम वीना को बताता है कि मैं और हायू कल दूसरे शहर जा रहे हैं। वीना सोम को रोकना तो चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि सोम उसकी बात नहीं मानेगा। अगले दिन सोम और हायू दूसरे शहर जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं, जबकि वीना उस समय एक अवार्ड शो में थी। शो के दौरान उसे एहसास होता है कि आज अगर वो अपने परिवार को नहीं रोक पाई तो वो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। यही सोचकर वो शो को बीच में ही छोड़कर भाग जाती है और मुश्किल से अपने परिवार को जाने से रोकती है। वीना सोम से माफी मांगकर कहती है कि अब से मैं अपना पूरा समय अपने परिवार को दूंगी। कहानी है आखिर में पूरा परिवार एक साथ हो जाता है और वीना प्राइवेट टॉयज बेचने का काम बंद कर देती है। नियो को भी एक लड़का पसंद आ गया था और अब वो दोनों टॉयज बेचने लगे थे और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।